प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके हिस्ट्री प्रोफेसर आज आपसे नाराज है। चलिए बताते हैं क्यों। कर्नाटक की एक चुनावी रैली में आपने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के दो मिलिट्री हीरोज का अपमान किया, फील्ड मार्शल करियप्पा और जनरल थिमैया। लेकिन माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ी चूक हो गई। चूक समझते है ना, गलती, बल्कि ब्लंडर। औरत जी, आज आपके हिस्ट्री टीचर आपसे बहुत ज्यादा नाराज होंगे। ओ वेट, आपने तो हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं स्कूल में, और पढ़ी होगी तो नेहरू ने जो पढ़ाई वही पढ़ी होगी। आपके कांग्रेस के मालिक लेकिन जरूर खुश होंगे आपका ये वीडियो देख के। माफ कीजिएगा, आपसे चूक या गलती नहीं, पाप हो गया। पाप समझते हैं ना, गुनाह बल्कि क्राइम। पहले तो आपने जनरल थिमैया के बारे में बोलते हुए ये कहा, 1948 में पाकिस्तान से युद्ध जीता फील्ड मार्शल जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था, और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। मैं कर्नाटक की नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ। मोदी जी, आपको बता दे, कई पॉइंट्स पे आपने गलती की। पॉइंट नंबर वन, 1948 में थिमैया इंडियन आर्मी के चीफ नहीं थे, एक ब्रिटिशर जनरल रॉय बुशर इस पोस्ट पर थे। थिमैया 1957 में आर्मी चीफ बने और इस पोस्ट पर 1961 तक रहे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इस लड़ाई में उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। पॉइंट नंबर वन, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि 1948 में जनरल थिमैया आर्मी के चीफ थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का युद्ध उनके नेतृत्व में जीता था भारत ने। ये बड़ी ही बेसिक चीज है कि किसी भी जनरल की हिस्ट्री के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तब हम उन्हें जनरल ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल थिमैया पांचवी कक्षा में चॉकलेट खाते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पांचवी कक्षा में आर्मी का जनरल बन गए थे। पॉइंट नंबर टू, जनरल थिमैया ने 1948 में ना तो रिजाइन किया और ना ही रेजिग्नेशन ऑफर किया, और ना ही नेहरू ने उनका कभी अपमान किया। बल्कि मोदी जी, नेहरू ने तो 1948 में पाकिस्तानी रेडर्स को पीछे हटाने में थिमैया के रोल की तारीफ की थी। थिमैया को कोरिया में यूनाइटेड नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। थिमैया को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर टू, आप 1948 में क्यों अटके हुए हैं? मोदी जी ने ये कब कहा कि नेहरू ने 1948 में जनरल थिमैया का अपमान किया था? उन्होंने तो बस ये कहा कि जनरल थिमैया के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता, जो सच है, और बाद में उनका अपमान किया गया, जो भी सच है। कृष्णा मेनन ने थिमैया को अगस्त 1959 में अपमान किया था, जिसके बाद जनरल थिमैया ने उनका रेजिग्नेशन लेटर लिखा, जो तीन मूर्ति को 31 अगस्त को प्राप्त हुआ। उनके रेजिग्नेशन की न्यूज उस टाइम के मीडिया में भी लीक हो गई थी, और 2 सितंबर 1959 में नेहरू ने इस बारे में पार्लियामेंट में भी बोला था। उन्होंने थिमैया को अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा और उनकी निंदा की। चाइना और भारत के सीमा पर टेंशन के बावजूद इस्तीफा के बारे में सोचने के लिए। इनफैक्ट आपसे एक और छोटी सी गलती हो गई। 1948 में कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री नहीं थे, सरदार बलदेव सिंह थे। सच्चाई और भाषण में इतना फर्क, इतना ज्यादा कि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या यह सोच समझ कर किया गया था। पॉइंट नंबर थ्री, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि 1948 में कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा कि मेनन और नेहरू ने थिमैया का असम्मान किया था। यह घटना 1959 की थी, और सबको ये बात पता है कि कृष्णा मेनन 1957 में रक्षा मंत्री बने थे। सच्चाई और आपके इस झूठ में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि ये शक होता है कि किसने ये स्क्रिप्ट लिखी और आप लोगों को कितना पैसा मिला है इतनी बड़ी झूठ बोलने के लिए। मोदी जी ने जो हुआ
वो बताया। उन्होंने कहा कि 1948 में जनरल टिमी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता और इस पराक्रमी वीर योद्धा को बाद में यानी कि 1959 में अपमानित किया गया था, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी झूठ फैलाने के लिए। थिमैया से फुर्सत मिली तो आप फील्ड मार्शल करियप्पा की बात करने लगे और उनके बारे में आपने कहा, फील्ड मार्शल करियप्पा 1965 भारत और चीन की घटना आज भी इतिहास की तबारों में दर्ज है और उनके साथ फील्ड मार्शल करियप्पा जी के साथ क्या व्यवहार किया गया। लेकिन सर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जनरल करियप्पा 1962 के भारत चीन वॉर से 9 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे। हम ये मानते हैं कि फील्ड मार्शल करियप्पा के बारे में मोदी जी गलत थे और ये बात सही है कि करियप्पा जी 1953 में रिटायर हुए और उनका 1962 के भारत चाइना युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बात सच है कि फील्ड मार्शल करियप्पा का नेहरू ने बार बार अपमान किया था, सिर्फ 1951 में नहीं बल्कि उनके पूरे टेन्योर में नेहरू और कांग्रेस ने उनका अपमान किया था और इसके सबूत इतिहास में दर्ज है। और हाँ, 1951 में नेहरू और करियप्पा के बीच मतभेद की खबरें जरूर उठे थे, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने उन्हें वाकई खराब तरीके से ट्रीट किया, इसका कोई सबूत नहीं है। इनफैक्ट 1949 में करियप्पा को इंडियन आर्मी का कमांडर ऑफ चीफ किसने बनाया, नेहरू सरकार ने। आपसे चौथी गलती ये हो गई कि आप ये सोचते हैं कि आर्मी ऑफिसर को गवर्नमेंट बना के उनपे बहुत बड़ा एहसान करती है। फील्ड मार्शल करियप्पा उस समय भारत के सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर थे और 1947 में दो चुने भारतीय ऑफिसर में से एक थे जिन्होंने इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स अटेंड किया था। 1948 के युद्ध में वो चाहते थे कि पूरी कश्मीर को भारत वापस ले, लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया गया आर्मी हेडक्वार्टर से, जो कि कांग्रेस द्वारा नियंत्रित और निर्देशित थी। उन्होंने दो ब्रिगेड की मांग की थी ऑफेंसिव स्ट्राइक्स के लिए, पर उनको सिर्फ एक दिया गया था। उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मान के लद्दाख में फतेह हासिल की थी। यही नहीं बल्कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक दी। नेहरू सरकार और डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह को करियप्पा पसंद नहीं थे। नेहरू ने और दो सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स नथु सिंह और श्री गणेश को कमांडर इन चीफ का पद प्रस्तावित किया, पर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया क्योंकि करियप्पा आर्मी में उनसे ज्यादा सीनियर थे। बार बार अपमान करके 35 साल के बाद फील्ड मार्शल का रैंक देने से सब सही हो जाता है क्या? मोदी जी, जिस अपमान की बात आप कर रहे हो वो कहाँ हुआ और कब हुआ? क्या बीजेपी के स्पीच राइटर ने फिर गड़बड़ कर दी, या उन्हें कहा गया कि सच से दूर रहे और उसकी जगह चुनावी मौसम में कहानियों से काम चलाए? क्या आपको इसमें कोई अपमान नहीं दिखता? इसके अलावा भी बहुत सारे अपमान किए गए थे नेहरू के द्वारा, ना सिर्फ करियप्पा जी का पर पूरे आर्मी का। जब नेहरू से आर्मी ने डिफेंस पॉलिसी की मांग की, तब नेहरू ने कहा, कोट, रबिश, टोटल रबिश, वी डोंट नीड अ डिफेंस पॉलिसी, आवर पॉलिसी इज अहिंसा, वी सी नो मिलिट्री थ्रेट्स, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू कैन स्क्रैप द आर्मी, द पुलिस इज गुड इनफ टू मीट आवर सिक्योरिटी नीड्स, अनकोट। इसका अनुवाद हिंदी में, कचड़ा, पूरी तरह कचड़ा, हमको कोई डिफेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी अहिंसा है, हमको किसी से खतरा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूं कि आर्मी को ही बंद कर दो पूरी तरह, पुलिस काफी है हमारे सुरक्षा के लिए। क्या ये आपको आर्मी और करियप्पा का अपमान नहीं लगता? या फिर मैं आपको और भी कुछ भयानक अपमान दिखाऊं? अगर दिखाने बैठूं तो कई दिन लग जाएंगे।